हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे अनदर वीडियो में, जो कि आज का भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ पैकिंग, जो शादी में होता है ना कि लड़की को कितना साड़ी, सूट, कॉस्मेटिक आइटम, पर्स वगैरह वगैरह, इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस तरीके का चैन वाला पाउच मंगवाई हूँ। ये मैं अमेजोन से परचेज की हूँ, तीन तरह का मंगवाई थी, हाँ, एक रेड कलर में, एक पिंक कलर में और गोल्डन में सूट के लिए मंगवाई हूँ। एंड साथ ही में जितना भी रेडी किया हुआ सामान होता है ना, जैसे कि ब्लाउज सब स्टिच करवा ली हूँ, सब रेडी है, बस पैक करना बाकी था। तो मैं अभी पैकिंग ही करने जा रही थी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, आप लोग भी देखो और बहुत कुछ इससे मिलेगा। पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। मैं ना एक अलग से भी बैग पैक की हूँ कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए, वो भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। एंड साथ में आप देख सकते हैं छोटा मोटा छूटा हुआ सामान भी मैं ठीक करी, जैसे लाइक पेटीकोट स्टिच किया हुआ है तो इसमें डोरी नहीं डाला हुआ है, तो ये सब डाल लेते हैं, पहले से रेडी रखते ताकि बाद में आराम हो पहनने वहनने में, कब कौन सा पहनने का मन कर जाए कोई कुछ बता नहीं सकते हैं। एंड अभी मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको अच्छे से नहीं दिखाऊंगी, आप देखना। मैं ना बहुत प्रॉपर अच्छे से सब कोई का सूट क्यों हूँ, सारा सूट का, सारा साड़ी का, जितना भी कॉस्मेटिक आइटम है सब। तो इसलिए आप पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरा एंड तक देखिए, और साथ ही में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और पहले का जो एक दो वीडियो मैं आप लोग अभी तक शेयर कर चुकी हूँ कि तिलक में हम लोग का क्या दिया जाता है, सासू माँ का बक्सा एंड साथ ही छेका, और कैसे करके छेका हुआ, तो वो सब तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो इन्जॉय कीजिए। तो बहुत सारा साड़ी, सूट, चुंदरी एंड इतना सारा बैंगल, सारा साड़ी का मैचिंग एंड जो जो यूज़ का आपका कॉस्मेटिक आइटम है वो सब हम लोग यहाँ पे दिए, जितना हो गया ऐसे काउंट करके नहीं दिए। अब चलिए ये सब मैं तो आपको दिखा दी, अब फटाफट इस बैग में ट्रॉली में डाल देंगे। तो यहाँ पर और नाइट ड्रेस वगैरह, टॉबेल, मतलब जितना कुछ लगता है सब कुछ यहाँ पे दी, और सब मैं अब यहाँ पर फटाफट डालूंगी। इस तरफ मैं सारा साड़ी डाल दूंगी और उस तरफ मैं सूट डालूंगी, एक ही में सारा मैं अच्छे से एडजस्ट करके पैक कर दूंगी, आप देखना। तो चलिए फटाफट पैक कर लेते हैं। एंड साथ में ना इसी में ना एक दो ड्रेस, जैसे एक ये वाला जो साड़ी अभी मैं डाली ना, ये वाला साड़ी शादी में पहनने वाला साड़ी, तो इसको निकाल दूंगी, मतलब बाद में ध्यान आता है कि ये तो यूज़ होगा तो इसको निकाल दूंगी। एंड साथ ही में जो मेहंदी के लिए ड्रेस ले आया है वो निकाल दूंगी, और जो हल्दी में जो साड़ी पहना जाता है ना वो हम लोग का उधर से, मतलब यहाँ पर उधर से आता है तो वही पहनते हैं, और ये जो फर्स्ट में ये चुंदरी है तो ये सब मैं अलग बैग में रखूँगी, जो कि अभी मुझे ध्यान में नहीं था, लेकिन अभी आप देखना मैं ये सब निकाल देती हूँ। एंड साथ ही में इधर सूट डाल रही हूँ, नीचे मैं दो लेगिंग्स डाली हूँ, वो एक्स्ट्रा होता है ना कभी किसी पे ज़रूरत पड़े या कुछ ऐसा हो रहा कि फिटिंग नहीं आ रहा है कुछ भी, तो ऐसे यूज़ के लिए। बाकी आप देख सकते हैं इतना सारा सब सूट है, और ये मेहंदी वाला ड्रेस था जो भी इसमें डाल रही हूँ, लेकिन ये भी मैं फिर निकाल दूंगी। तो ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ अभी, अब जैसे देखो ये पैकेट थोड़ा सा ना फटा हुआ निकल गया तो अभी मैं चेंज कर ली, और ये सब अभी मैं आपको यूँ क्यों बता रही हूँ ये भी आपको आगे पता चलेगा, आप देखते जाइए। तो यहाँ पर मैं ये सब डालकर अच्छे से पैक कर दी, और इसको भी इधर भी सब, जैसे देखिए ये भी हमको लगा कि नहीं इसी में जाएगा, इसलिए मैं इसको भी एडजस्ट कर ले रही हूँ ताकि एक ही में सब आ जाए अच्छे से, और देन इसको भी मैं बंद कर देती हूँ एंड अगेन खोलती हूँ और वो सब निकालती हूँ, और एंड फाइनली फिर मैं अच्छे से बैग को पैक कर देती हूँ। इसमें अब और कुछ वैसे आ सकता था, लेकिन और कुछ डालने का अब इसमें नीड नहीं है, जो कॉस्मेटिक आइटम है वो सब हम अलग ट्रॉली बैग में डालेंगे। तो ये बैग एक अच्छे से रेडी है, तो अब चलते हैं सेकेंड ट्रॉली बैग की तरफ, जिसमें हम यहाँ पर मेकअप बॉक्स डालेंगे, बैंगल्स बॉक्स डालेंगे,
और एक छोटू सा जो क्लच लिए थे वो डालेंगे, और ये जो आप चूड़ी देखे ना वो लहंगा पर का था तो इसलिए उसको भी हटा दी, एंड साथ में पर्स भी लगता है तो निकाल दी, और वो शादी में पहनने वाला चूड़ी था तो वो भी निकाल दी, एक चूड़ा एक्स्ट्रा लिए थे वो डाल दिए, इसमें नाइट ड्रेस डाल दिए, टॉवल डाल दिए, और नीचे जो रखा हुआ है वो शादी में पहनने वाला सैंडल है तो वो सब अलग ट्रॉली बैग में पैक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रॉली बैग भी बिल्कुल रेडी है, तो देख सकते हैं ये दो ट्रॉली बैग तो जाएगा ही जाएगा। अब जो है ये दो ट्रॉली बैग को तो मतलब लेके ही जाना, अब ये इंपॉर्टेंट ट्रॉली बैग है जो कि मेन हर जगह हर टाइम मतलब लगेगा, लाइक इसमें सारा कुछ रखेंगे, जैसे कि आप सबसे पहले देखें शादी में लगने वाला शादी का साड़ी और शादी में पहनने के लिए चुंदरी, लहंगा तो अलग से जाएगा, उसका मैचिंग बैंगल्स ये रख लेंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पर लहंगा पे पहनने वाला बैंगल्स देख सकते हैं, ये लहंगा का मैचिंग बैंगल्स है तो इसको भी इसी में डालेंगे क्योंकि लहंगा तो ऑलरेडी इतना बड़ा बैग में रहता है तो उसको ज़रूरत नहीं है ट्रॉली में डालने का। उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे खोइचा का पाउच, जो कि मतलब बहुत सुंदर हम लोग येलो कलर का लिए थे कुछ इस तरीके का पाउच, इसमें विदाई के टाइम खोइचा देने के लिए, एंड यहाँ पर एक ना कंधा पे लेने के लिए एक छोटा सा दुपट्टा रखी हूँ, बाई चांस होता ना एक्स्ट्रा लगे तो इसलिए, एंड उसके बाद अब जो मेरे हाथ में साड़ी देख रहे हैं ना ये वाला साड़ी, अगर उधर से साड़ी आया तो ठीक है, नहीं तो ये वाला साड़ी पहनेंगी हल्दी वाला दिन, क्योंकि ये भी उधर का ही है, ये छेका में चढ़ा था इसलिए, तो ये भी रेडी करके रखी हूँ, एंड साथ में यहाँ पर ये है मेहंदी का ड्रेस, और उसके बाद अब जो इसमें रख ले रही हूँ मेहंदी में हल्दी में लगाने के लिए ये वाला टीका येलो कलर का, येलो एंड रेड में ये टीका मेहंदी में हल्दी वाला दिन यूज़ होगा, एंड साथ ही में हल्दी में पहनने के लिए ये फ्लावर वाला ज्वेलरी हम लिए हैं देख सकते हैं जो कि बहुत सुंदर है, और ये वाला पहनेंगे हल्दी वाला दिन तो इसको भी इसी वाला बैग में डालूंगी, क्योंकि जैसे जैसे होता है ना पर डे पहला दिन हल्दी होगा तो हल्दी वाला सामान निकल जाएगा, मेहंदी होगा तो मेहंदी वाला निकल जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं न्यू सैंडल डाल रही हूँ जो कि जयमाला के टाइम पहनने के लिए ली है, एंड उसके बाद ये डब्बा में बहुत ही यूनिक ईयरिंग्स है बहुत सुंदर है, तो ये ईयरिंग्स मैं ली हूँ मेहंदी वाला दिन पहनने के लिए, बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये ईयरिंग्स में ना मतलब जैसे एक तो दुल्हन दुल्हनिया हो गया, फिर एक में लिखा हुआ दुल्हन की बहन, दुल्हन की बुआ, दुल्हन की चाची, दुल्हन की माँ, दुल्हन की भाभी, बहन लोग, तो जितना मुझे समझ में आया था मैं सबके लिए लेने का कोशिश की हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी में सब हुआ है तो उतना मुझे समझ में भी नहीं आया था कि कौन आएंगे नहीं आएंगे, बाकी ओवरऑल आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये लेकर मैं एक डिब्बे में रखी हूँ ताकि मैं उस दिन फटाफट सबको दे दूँ और सब लोग पहन ले, तो इसको भी मैं इसी में रख रही हूँ, और ये रहा न्यू टॉवल, और साथ ही ना यहाँ पर शादी वाला दिन नया नया साबुन शैम्पू सब यूज़ होता है तो वो सब अभी नहीं रखी हूँ, वो सब मैं ऊपर से डाल लूँगी, वो सब अभी नहीं ले आया है, तो जितना ले आया था वो सब पैक कर देंगे, साथ में ये वाला पर्स जो कि शादी के बाद हाथ में देना पड़ता है ना पर्स, तो हाथ में लेके जाते हैं तो वो भी मैं इसी में रखी हूँ, और ये रहा न्यू टॉवल, और इसी के साथ मैं इस बैग को भी अच्छे से कर दूँगी पैक, और ये सब ज़रूरत का सामान है। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा ये वाला ट्रॉली बैग कि आप भी कुछ इस तरीके से पैक कर सकते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।